नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी रेलवे की आंसर की के बारे में। जी हाँ, पहले हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं कि रेलवे ग्रुप डी की आंसर की 11 जनवरी को आने की पूरी पूरी संभावना है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि 11 जनवरी को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसकी आंसर की 11 जनवरी को रिलीज कर दी जाएगी। आज आने की पूरी संभावना है। कल कुछ मीडिया, प्रेस, अखबारों ने कुछ खबरें निकाली हैं जिनको हम आज एनालिसिस कर लेंगे। साथ ही साथ हम रेलवे ग्रुप डी के आंसर की से जो रिलेटेड ऑब्जेक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्शन आपको किस तारीख से किस तारीख तक सबमिट करने हैं और देखेंगे कि रिजल्ट ग्रुप डी का कब आना है। रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट एक कंफर्म जिसने बताया है, जिस अखबार ने, जिस कटिंग ने, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान.com करके एक वेबसाइट है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की आंसर की के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है। देखिए, इन्होंने लिखा है आरआरबी ग्रुप डी आंसर की आज आ सकते हैं। इन स्टेप से आप चेक कर सकेंगे उत्तर कुंजी निम्न स्टेप से। इन्होंने 11 जनवरी की खबर है और ये सबसे पहले हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा सीबीटी की उत्तर कुंजी आज जारी। उत्तर कुंजी मतलब आंसर की आज जारी की जा सकती है। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा भर्ती 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक संपन्न कराई गई थी। जो आयोजित हुई थी उसमें उम्मीदवार पास हुए या नहीं हुए उसके बारे में जानकारी देंगे। आगे और हम विश्लेषण करते हैं। भारत का प्रतिष्ठित अखबार और वेबसाइट पोर्टल द इंडियन एक्सप्रेस, उनके हिसाब से देखते हैं आज आंसर की आने वाली है या नहीं। यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन आंसर की और ग्रुप डी एग्जाम टुडे जनवरी 11, 2019। मतलब ग्रुप डी के बारे में जो आंसर की रिलीज करनी है वो 11 जनवरी 2019 को जारी होने वाले हैं और जो कि आज है। और देखते हैं और वेबसाइट्स का क्या कहना है इस बारे में। अब बात करेंगे टाइम्स नाउ की। सब वेबसाइट ने ज़्यादातर लिखा है कंफर्म आ जाने वाली है, लेकिन इन्होंने लिखा है एक्सेप्टेड। मेरी तरफ से भी एक्सेप्टेड है क्योंकि कोई भी जानकारी तब तक कंफर्म नहीं होती जब तक उसे लिखित रूप में नहीं दिया जाए। रेलवे के किसी बड़े अधिकारी ने कह दिया कि 11 जनवरी को आएगी तो बहुत अच्छी बात है, आ सकती है 11 जनवरी को, लेकिन कन्फर्म ये नहीं है। फिर भी आप आज इंतजार करते रहेंगे, हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आपको जैसे नोटिफिकेशन प्राप्त होगा आप अपनी आंसर की देख लीजिएगा और कैसे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है वो भी हम आपको के साथ ही बताएंगे। अभी इस वीडियो में हम आगे देख लेते हैं कि अगर आंसर की आ जाती है तो रिजल्ट किस दिन आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा इसका। आंसर की आना, रिजल्ट आना नहीं, आंसर की से सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं, लेकिन जो मेरिट बनती है आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए वो आज इसका खुलासा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको रिजल्ट का इंतजार करना ही होगा और वो रिजल्ट कब आएगा उसके लिए फिर से आपकी बेचैनियाँ बढ़ जाएंगी। तो हम आज ही से कुछ वेबसाइट्स का जो अनुमान है उसके हिसाब से आपको बता देते हैं रिजल्ट किस तारीख तक आ सकता है। एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविज़न एक चैनल है और इनका वेबसाइट पोर्टल है। ये अक्सर एग्जाम से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले देते हैं और इन्होंने ही लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018। इसके रिजल्ट के बारे में केवल एक ही कयास मौजूद है। गूगल पर बहुत गूगल करने के बाद और भी स्रोत से जानकारी प्राप्त करने के बाद केवल एक ही अनुमान हमें मिला है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में। उन्होंने लिखा है वाइल ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ कैंडिडेट्स आर अवेटिंग ऑन अपडेट ऑन द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी वी हैव एन एक्सक्लूसिव अपडेट ऑन द आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट। इन्होंने कहा हमारे पास एक एक्सक्लूसिव अपडेट है रिक्रूटमेंट के बारे में, वो क्या है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी आंसर की रिलीज एंड अनाउंस द रिजल्ट फॉर द ग्रुप डी। इन्होंने कहा रिजल्ट को अनाउंस करने की भी बात कब है, फरवरी 18, 2019 को रिजल्ट के बारे में। आप दोबारा पढ़ सकते हैं इस लाइन को, आरआरबी ग्रुप डी आंसर की रिलीज एंड अनाउंस द रिजल्ट फॉर द ग्रुप डी। रिजल्ट को अनाउंस करने की जो डेट है वो क्या है, फरवरी 18, 2019। द इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम अ रेलवे ऑफिशियल, कहा एक रेलवे अधिकारी से इन्फॉर्मेशन मिली है। सेड दैट द कैंडिडेट्स हु अपीयर द फॉर द एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम विल बी गिवन इन अ टाइम 1 वीक टू सबमिट देयर ऑब्जेक्शन। एक सप्ताह का समय मिलेगा अपने ऑब्जेक्शन यानी अपने जो प्रश्नों के गलत उत्तर जो रेलवे ने लिखे उनको सही कराने के लिए, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। बाकी आपको 18 फरवरी को रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा इनका अनुमान है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया।
ये कुछ वेबसाइट्स के पोर्टल्स के अनुमान आपके सामने रखे, आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आपकी बिल्कुल मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए हमारा काम आपको जानकारी पहुंचाना है, वो सही या गलत है उसके हिसाब से आप उसका खुद निर्णय कर सकते हैं। अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, जैसे ही आधिकारिक सूचना मिलेगी आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको आपके मोबाइल पर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रह सकते हैं हमारे साथ। आपका दिन शुभ रहे।